Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Fawadro from Ulamane Abbas School. Today we will do question number 6, which is simplify the following radical expressions. आपको एक radical expression दी हुई है, उसको simplify form में लिखना है. तो याद रखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी रेडिकल्स की. हो सकता है ये प्रॉपर्टीज हमें थोड़ी सी यूज करनी पड़े, तो इन प्रॉपर्टीज को भी गौर से देखेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे सिंप्लीफाई. सबसे पहले, हमेशा कभी भी कोई क्वेश्चन हो जो रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखा हुआ हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम उसको चेंज करें एक्सपोनेंटल फॉर्म में भी. अगर हम एक्सपोनेंटल में नहीं भी करते तो तब भी क्वेश्चन हो सकता है. बट मोस्ट अप्रोप्रिएट वे फॉर डूइंग अ क्वेश्चन इज के यू गोइंग टू व्हेन सिंप्लीफाइंग मी, सो इट्स यू हैव टू रिमूव या चेंज इट इन टू द एक्सपोनेंटल फॉर्म. आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. यहां लिखा हुआ है रूट, क्यूब रूट 125 और यहां 3 है. तो सबसे पहले आपको इस क्यूब रूट को खत्म करना है इस तरीके से कि यहां इस रियल नंबर की कोई ऐसी पावर लाए जो इससे बिल्कुल सेम हो. इस रियल नंबर की ऐसी पावर बनाए जो इसकी इंडेक्स उससे सेम हो या रेडिकल के सेम हो. इस रियल नंबर की ऐसी पावर बनानी है. तो 125, अगर आप इसको ब्रेक करें एलसीएम के अंदर तो आपके पास आता है 125. सबसे पहले स्टार्ट किससे करोगे, 5 से, तो 25 आया आपके पास. फिर 25 किससे हो रहा है, 5 से, और लास्ट में क्या बच गया, 5. तो मैं 5 × 5 × 5 को ऐसे लिख सकता हूं, 5 की पावर 3. क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 3. अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव का साइन कैरी होगा, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं है. तो अगर गौर करें तो इस क्यूब रूट लिखा और यहां लिख दिया −5 की पावर 3. अब जरा गौर से देखें, यहां पे बिल्कुल सेम सिनेरियो हो गया. प्रॉपर्टी ये कहती थी कि ये वाली पावर इसको कैंसिल आउट कर देगी, तो अंदर क्या बच जाएगा, खाली एक रियल नंबर बच जाएगा. तो यहां पे भी ये प्रॉपर्टी यूज हो सकती है और हमारे पास आंसर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ −5. नेक्स्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3. उसके अंदर है सेकेंड पार्ट, सिस्टम जी √5 3/32. देखिए क्या ये सिनेरियो बन सकता है, जी बन सकता है. तो हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी पावर जो रूट है, रूट जो लिखा हुआ है रेडिकल फॉर्म है, उस रेडिकल को दोनों पे अलग अलग ब्रेक करना है. हो सकता है कि किसी एक न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से किसी एक जगह पावर इसी तरीके से सिंप्लीफाई हो जाए और किसी जगह नहीं होगी. तो इस कॉन्सेप्ट का भी जहन में ध्यान रखना है. अगर तो दोनों नंबर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में ऐसे लिखे हुए हैं कि जो पावर बन सकते हैं, यानी कि उन नंबर्स की जगह मैं उसको एक्सपोनेंटल फॉर्म में यानी किसी नंबर की पावर बना सकता हूं, तो फिर तो जरूरत नहीं है अलग अलग करने की, हम डायरेक्ट एज अ होल कटिंग कर सकते हैं. और अगर नंबर ऐसे हैं कि जिनमें से कोई चेंज नहीं हो सकता, जिस तरीके से 125 को मैंने चेंज किया −5 की पावर 3, इस तरीके चेंज नहीं हो सकता, तो वो नंबर एज इट इज उतर जाएगा. तो अगर गौर करें इस क्वेश्चन के अंदर, थ्री इट्सेल्फ इज अ प्राइम नंबर, आप इसको फर्दर नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको इस रेडिकल को अलग अलग हिस्सों में यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ये यूज करके आपको इस फॉर्म में लिख के दिखाना होगा. सॉल्यूशन,
5 root 3 और 32 root 5। अब 32 को चेक करें, क्या मैं 32 की जगह ऐसा नंबर लिख सकता हूं कि जिसकी पावर क्या बन जाए 5, इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए। जी वो नंबर है 2। 32 चेक कर सकते हैं, 216, 28, 24, 22 और 21। तो 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 की पावर 5 इस 32 की जगह लिख सकता हूं 2 की पावर 5। ये एज इट इज उतर रहा है, देखिए। अब मैंने यहां पे क्या लिखा, रूट 5 2 की पावर 5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये जो पावर है ये कैंसिल कर देगी, इस रेडिकल को कैंसिल कर देगी, तो आपके पास क्या बच जाएगा, ऊपर वाली टर्म वैसी उतर जाएगी और यहां क्या लिखा जाएगा 2, ये आपके पास आंसर आ गया। इसका आंसर ये था। इस वीडियो के अंदर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल का इस्तेमाल करते हुए सिंप्लीफाई किया, जैसे कि इंट्रो में बताया था कि आप एक्सपोनेंट को भी यूज करते हुए सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। बाज जगह रेडिकल से ही आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, बाज जगह आपको चेंज करना जरूरी हो जाता है, जहां पे किसमें एक्सपोनेंटल फॉर्म में रेडिकल को और सिंप्लीफिकेशन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, उम्मीद करता हूं आज का ये क्वेश्चन 6 part 1 and 3 आपको समझ में आया होगा। रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।